Hello children, welcome to Dikshant EduTech. I am Jyoti, your EVS teacher. So today we are learn our EVS subject and the topic is we live in a house and chapter 12 we live in a house. इस टॉपिक पे आज हम लोग लर्न करने वाले हैं. इसमें अपने हाउस के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. वी लिव इन अ हाउस. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज पिक्चर ऑफ हाउस यानी घर है ना. तो घर में क्या करते हैं, हम सभी घर में रहते हैं. जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो वापस लौट के कहाँ आते हैं, अपने घर में यानी हाउस. ये क्या है, एक हाउस है. सबका जो हाउस है वो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन का होता है, किसी का दूसरे डिज़ाइन का, किसी का दूसरे डिज़ाइन का, लेकिन सबका अपना एक हाउस होता है. होता है तो ये भी एक पिक्चर है एक हाउस का, जिसमें हम सभी इस तरह के एक घर में रहते हैं. इस तरह के नहीं तो कुछ अलग डिज़ाइन के, लेकिन सभी लोग हाउस में ही रहते हैं. तो ये है एक पिक्चर हाउस का, जो बाहर से कैसा दिख रहा है, ऐसा दिखता है. घर जो है वो हाउस को आप बाहर से देखोगे तो वो अलग दिखता है, लेकिन घर के अंदर जब हम लोग एंटर करते हैं तो अलग अलग रूम्स, अलग अलग जगह दिखती है. तो वो सब यहाँ नहीं दिख रहा है, बस ये फ्रंट, इसका आगे का हिस्सा हमें दिख रहा है कि ये एक घर है. जब हम लोग अंदर जाएंगे तो घर में बहुत सारे रूम्स होंगे. उन सभी रूम्स के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे. फर्स्ट तो है हमारा हाउस का पिक्चर जो हम लोग देख रहे हैं. ये एक हाउस है और हाउस के साथ यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी हमें दिख रही हैं. ठीक है, फर्स्ट हम लोग यहाँ रीड करते हैं. आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड. हमारा घर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है, सुरक्षित रखता है. किससे? रेन यानी बारिश से, हीट यानी धूप गर्मी से, और कोल्ड यानी ठंडी से. इन सभी से हमारा घर जो है हमें सुरक्षित रखता है, बचाता है ना. घर के अंदर जब हमें बारिश होती है तो हम लोग घर के अंदर रहते हैं. बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहती है तब भी हम घर के अंदर रहते हैं, और जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती है तब भी हमें घर में रहना पड़ता है. तो घर क्या करता है, इन सभी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. घर जो है इस तरह का होता है. घर के साइड में एक गैराज होता है, कहीं स्विमिंग पूल भी कुछ घरों में होते हैं, गार्डन होता है, फ्लावर्स होते हैं, फिर यहाँ ट्री हाउस बना हुआ है, यहाँ झूला भी लगा हुआ है. तो सभी लोग अपने अपने घर को अपने तरीके से डेकोरेट करते हैं, अपने अपने ज़रूरत की चीज़ें अपने घर में बनाते हैं, लगाते हैं. तो इस टाइप का घर होता है और घर हमें प्रोटेक्ट करता है रेन, हीट एंड कोल्ड से. नाउ वी स्टार्ट. अब घर के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं रूम्स के बारे में. जब घर को बाहर से हम लोगों ने देख लिया, अब घर के अंदर जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले कौन सा रूम आता है, ड्राइंग रूम. क्या आता है, ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम जो होता है कुछ इस तरह का होता है ना. उसे बहुत अच्छे से सजाया हुआ रहता है. क्यों, जब गेस्ट आते हैं तो उन्हें कहाँ बैठाया जाता है, ड्राइंग रूम में. कहाँ बैठाया जाता है, ड्राइंग रूम में. आप भी जानते हो कि आपका एक रूम होता है जहाँ जब भी कोई गेस्ट आता है उसे वहीं बैठाया जाता है, उसे चाय दी जाती है या कुछ भी उनको जो भी उनके लिए किया जाता है उसी रूम में उनको बैठा कर किया जाता है. वही रूम होता है
ड्राइंग रूम, ठीक है, ड्राइंग रूम को जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, सोफाज रहते हैं, टेबल वगैरह सारे अच्छे से, पेंटिंग, प्लांट्स और लाइट्स से इस रूम को डेकोरेट किया जाता है। सब अपने अपने चॉइस से उसे डेकोरेट करते हैं। तो घर में एंटर करने के बाद फर्स्ट हमारा जो रूम आता है वो होता है ड्राइंग रूम, जिसमें हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं, उनको उनका जो भी उनको खिलाना पिलाना रहता है, उनसे बैठ के बातें भी हम लोग ड्राइंग रूम में करते हैं। तो ये जब घर में एंटर करते हैं तो फर्स्ट जो रूम आया हमारा वो है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के बाद यहाँ पर एक और ड्राइंग रूम का पिक्चर है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम क्या है? वी वेलकम आवर गेट्स गेट्स गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। वी वेलकम आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में हम लोग अपने गेस्ट गेस्ट का वेलकम करते हैं, उन्हें बैठाते हैं, उन्हें टी ऑफर करते हैं और उनसे बातें करते हैं। या हमसे मिलने आए हैं तो हम भी उनसे मिलते हैं, और हम भी कहीं अगर जाते हैं तो फर्स्ट हमें ड्राइंग रूम में ही बैठाया जाता है। तो ये जो रूम होता है वो हमारे गेस्ट के वेलकम के लिए होता है, इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भी यहाँ भी देख रहे हैं कुछ पिक्चर्स हैं, अच्छे अच्छे लाइट्स हैं, पॉट, सोफा, टेबल, कुछ बुक्स वगैरह भी है ना, बहुत अच्छा कलर है इस रूम का। तो गेस्ट गेस्ट रूम को यानी ड्राइंग रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। नेक्स्ट बेडरूम, नेक्स्ट क्या आया है यहाँ? बेडरूम, बेडरूम कौन सा रूम होता है? बेडरूम वो रूम होता है जहाँ हम सोते हैं, आराम करते हैं, जहाँ एक हमारा बेड होता है ना। और इस रूम को भी अच्छे से डेकोरेट किया जाता है क्योंकि यहाँ हम आराम करते हैं, सोते हैं, जहाँ हमारा बेड होता है। बेड किस लिए काम आता है? सोने के लिए, आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो ये है बेडरूम। बेडरूम को भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए, उसे भी अच्छे से डेकोरेट करना चाहिए, सामान फैला कर नहीं रखना चाहिए। फैला हुआ सामान रहता है तो हम परेशान होते हैं, हमें अच्छे से नींद नहीं आएगी। तो बेडरूम को भी अच्छे से डेकोरेट करके रखना चाहिए। जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे से ये रूम जो है वो डेकोरेट है। यहाँ बेड भी है, बुक्स भी हैं और एक चेयर एंड सोफा भी है, और बहुत अच्छे से अगर हम बैठना चाहें बैठ करके भी रेस्ट कर सकते हैं। बेडरूम जो होता है वो हमें हमारे रेस्ट के लिए होता है, हमें सोने के लिए, आराम करने के लिए हमारा बेडरूम होता है। यहाँ भी जो ये रूम है ये है बेडरूम। बेडरूम, वी स्लीप इन दी बेडरूम। हम लोग कहाँ सोते हैं? बेडरूम में। अब ये जो रूम है ये रूम बच्चों का कमरा है, बच्चों का बेडरूम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टॉयज दिख रहे हैं, वहाँ टेडी बियर दिख रहा है, यहाँ बुक्स भी हैं, और बहुत अच्छे से इसे कलर किया गया है, बहुत अच्छे से इसे डेकोरेट किया गया है। यहाँ ट्रॉफी भी है, कुछ बुक्स, टेबल लैंप है जो स्टडी के लिए आएगा काम। तो ये सारा जो दिख रहा है इससे पता चल रहा है ये बच्चों का यानी चिल्ड्रन बेडरूम है। और यहाँ भी बेडरूम में बहुत अच्छे से इसे डेकोरेट किया गया है। और बेडरूम में क्या करते हैं? वी स्लीप इन द बेडरूम। हम कहाँ सोते हैं? बेडरूम में। बेडरूम में हम लोग सोते हैं। नेक्स्ट है किचन। किचन, किचन कौन सा रूम होता है?
जहाँ खाना बनाया जाता है, जहाँ खाना बनता है, जहाँ सारे खाने पीने की चीज़ें हमें वहाँ मिलती हैं, वहाँ खाना पकाया जाता है। कुछ भी हम लोग अगर खाना चाहेंगे तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इन द किचन। किचन में क्या होता है? यहाँ फ्रिज है, गैस स्टोव है, बर्तन वगैरह रहते हैं, अवन है। ये किचन में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बर्तने हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ किचन्स को भी अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, जिससे यहाँ खाना बनाने में बोर ना फील करे, उसे अच्छे से डेकोरेट करे, किचन में जाने पे मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग किचन, इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है। किचन को हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। जो हम लोग यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं किचन, किचन जहाँ खाना बनाया जाता है, ठीक है, इस तरह से किचन जो है अच्छे से साफ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ एक और जो है किचन का ही पिक्चर है और यहाँ कुछ हमें सारी चीज़ें दिख रही हैं। फर्स्ट अबाउट किचन, वी कुक फूड इन दी किचन। हम खाना बनाते हैं किचन में, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रूम होता है हमारे हाउस का, क्योंकि किचन होना सबसे ज़रूरी है। जब हम घर में रहेंगे तो हम खाना खाएंगे, और खाना कहाँ बनेगा? इन द किचन। फूड्स कहाँ में बनाएंगे? किचन में। तो इस किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट तो यहाँ डेकोरेट किया हुआ है, टेबल्स है, बट उसे भी फ्लावर्स से बहुत अच्छे से पेंटिंग है। यहाँ प्लेट्स वगैरह अच्छे से सजा के रखा हुआ है। उसके बाद एक यहाँ पर हमें डाइनिंग टेबल भी दिख रहा है, और डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे फूड आइटम दिख रहे हैं, है ना? बहुत सारे फूड आइटम रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चेयर वगैरह है। फिर इस सेल्फ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बॉटल्स होते हैं किचन में। क्यों होते हैं? क्योंकि उसी में जितने भी मसाले और जितने भी चीज़ें जो खाना बनाने में यूज़ करते हैं, वो सारे उसमें रखे जाते हैं। यहाँ सिंक भी है, जिसमें बर्तन साफ किए जाते हैं। ओवन भी है, यहाँ भी पॉट्स से इसे डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे बर्तन भी है, फ्रूट्स हैं। तो ये किचन जो है पूरा भरा हुआ है। इस टाइप से ही किचन जो होता है हाउस में, इस तरह का किचन होता है, जिसमें क्या करते हैं? वी कुक फूड इन दी किचन। किचन में खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम क्या है? ये जो हमें दिख रहा है, एक बड़ी सी टेबल है, फिर वहाँ पर चेयर्स रखे हुए हैं, और उस टेबल पर कुछ फूड आइटम भी सजा कर रखे हुए हैं। तो डाइनिंग रूम क्या होता है? वी हैव आवर मील्स इन डाइनिंग रूम, ठीक है। हम लोग डाइनिंग रूम में क्या करते हैं? अपने भोजन को खाते हैं, जहाँ फूड
फैमिली मेंबर्स आराम से एक जगह बैठते हैं और अपना भोजन करते हैं। ठीक है, तो डाइनिंग रूम जो होता है वो किचन के पास ही होता है, क्योंकि वहीं से खाना लाकर इस टेबल पे ऐसे डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, और फिर सारे फैमिली मेंबर्स चेयर्स पे बैठकर खाना एंजॉय करते हैं, अपना फूड आइटम अच्छे से खाते हैं। ये रूम जो है वो कहलाता है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं। तो डाइनिंग रूम को भी बहुत अच्छे से क्या है, डेकोरेट किया गया है, और इसे भी बहुत ही अच्छा सजाया गया है। बहुत अच्छे से इसे नीट एंड क्लीन भी रखा गया है, क्योंकि यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने वाली जगह को एकदम साफ रखना चाहिए ना। तो वही है यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, पूरा रूम जो है एकदम क्लीन है और बहुत अच्छे से इसे डेकोरेट भी किया गया है। नेक्स्ट, बाथरूम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूम होता है हमारे हाउस का, क्योंकि अगर बाथरूम नहीं होगा तो फिर हम किसी भी कहीं भी जाने के लिए पहले फ्रेश होते हैं, अच्छे से नहाते हैं, टॉयलेट यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ करना है, इन दी बाथरूम। और अगर बाथरूम नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये जो रूम है ये बहुत इम्पोर्टेंट रूम है हमारे हाउस का। बाथरूम में फर्स्ट तो होता है टॉयलेट, जो सभी लोग जाते हैं, सभी को टॉयलेट जाना है, इसीलिए ये टॉयलेट है। उसके बाद होता है बेसिन, जहाँ ब्रश वगैरह हम लोग करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। फिर ये है बेसिन। बेसिन में क्या करते हैं, हैंड वॉश करना है हमें, यहाँ मिरर भी लगा हुआ होता है, मिरर में देखकर हैंड वॉश करते हैं, ब्रश करते हैं और फेस वॉश करना है, जो भी हम लोग यहाँ बेसिन में करते हैं। नेक्स्ट ये है बाथ टब। बाथ टब में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, नहाते हैं। ठीक है, तो बाथ टब भी होता है, उसके साथ यहाँ सेल्फ है, सेल्फ पे हमारे सोप शैम्पू बहुत सारी चीज़ें लोशन वगैरह यहाँ रहती है, जिसमें हम लोग नहाते हैं और यहाँ नहाया जाता है। और इस तरह बाथरूम में बहुत हम लोग क्या करते हैं, साफ होते हैं, अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं बाथरूम में। तो बाथरूम जो है वो हमारे हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ भी हम लोग बाथरूम देख रहे हैं। फर्स्ट अबाउट बाथरूम, बाथरूम वी टेक अ बाथ इन द बाथरूम। बाथरूम में हम लोग बाथ लेते हैं, स्नान करते हैं, नहाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो बाथरूम में किए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, तो ये है टॉयलेट। टॉयलेट सभी को जाना है, तो बाथरूम में ही हमारा टॉयलेट होता है जिसे यूज़ करते हैं सभी लोग। वॉशिंग मशीन होता है जिसमें कपड़े धुलते हैं। कपड़े धोने के लिए भी कपड़े धोने के लिए अच्छा स्पेस चाहिए, जो बाथरूम में ही रहता है, और वहाँ वॉशिंग मशीन भी अवेलेबल रहता है, वहाँ अपने कपड़े धोइए। वहीं जब हम नहाते हैं तो गंदे कपड़े कहाँ डालते हैं, वॉशिंग मशीन में। उसके बाद आता है बाथ टब। बाथ टब में
हम लोग नहाते हैं, ठीक है, नहाया जाता है बाथटब में। फिर यहाँ पर वही वॉश बेसिन है जिसमें ब्रश कर सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं, हैंड वॉश करते हैं। जब हम बाहर कहीं से आते हैं तो सीधा नहाते नहीं है ना, जाकर पहले हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग वॉश बेसिन में यूज़ करके करते हैं, इस तरह से होता है। फिर कुछ रैक वगैरह होता है, टॉवल वगैरह होता है, कुछ लोशन वगैरह होते हैं, या फिर ये रैक जो होता है ये इसमें बाथरूम में यूज़ की जाने वाली जितने भी प्रोडक्ट हैं उन्हें यहाँ रखा जाता है। तो इस टाइप से बाथरूम को भी यूज़फुल चीज़ों से, यानी जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे डेकोरेट किया जाता है। बाकी इस यहाँ कुछ नहीं हमें दिख रहा है, लेकिन इसके जो इस रूम में जो इम्पोर्टेंट जितनी चीज़ें हैं उन्हीं से इसे ये डेकोरेट हो जाता है बाथरूम। तो ये बाथरूम जो है इस टाइप से अच्छा से होता है, और बाथरूम भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम साफ होने आए हैं, गंदे होने तो नहीं आए ना। तो अगर बाथरूम गंदा रहेगा तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तो बाथरूम हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने अपने हाउस के बहुत सारे रूम्स के बारे में डिटेल में लर्न किया, बहुत सारे रूम्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी कि हाँ उस रूम को कैसे रखना चाहिए, वहाँ क्या यूज़ करते हैं, वहाँ क्या होता है। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग और भी अपने हाउस के पार्ट्स हैं उनको भी डिटेल में जानेंगे जो यहाँ है, ठीक है। तो ये है आवर हाउस। सो हमारे घर के अंदर जो क्या क्या होता है, बाहर क्या क्या होता है, वो यहाँ पर हमें बताया गया है। तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं हाउस। फर्स्ट क्या होता है, हाउस यानी घर, जो इस तरह से दिखता है ना, बाहर से इस टाइप से दिखता है। फिर घर के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं बेडरूम। बेडरूम में क्या होता है, बेड होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, स्लीप करते हैं, सोते हैं। उसके बाद आता है लिविंग रूम। लिविंग रूम या ड्राइंग रूम दोनों सेम होता है, जहाँ हम लोग अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। गेस्ट आते हैं तो हम लोग वहाँ उनका वेलकम करते हैं। उसके बाद है यहाँ डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम वो रूम जहाँ हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, वी टेक अ मील। हम लोग क्या खाना खाते हैं। उसके बाद है ये किचन। किचन जहाँ वी मेक फूड आइटम्स। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, किचन में खाना बनाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग घर में रहते हैं तो हमें खाना खाना है, और वो खाना कहाँ बनता है, इन द किचन। नेक्स्ट है बाथरूम। बाथरूम जहाँ हम लोग क्या नहाते हैं और अपने आप को क्लीन करते हैं, इन द बाथरूम। घर के बाहर जो थोड़ा एरिया रहता है वहाँ क्या होता है, एक गार्डन भी होता है। गार्डन में फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें लगाई जाती है, उगाई जाती है। तो घरों में गार्डन भी होता है। उसके बाद अप स्टेयर्स यानी चढ़ने वाली सीढ़ियाँ जो हमें छत तक ले जाती है, तो स्टेयर्स भी होती है। और ये है डाउन स्टेयर्स, जो ये सीढ़ियाँ भी घरों में होती है क्योंकि छत पे जाना रहता है सभी को। और ये है फ्रंट डोर। फ्रंट डोर क्या होता है, घर का मेन जो गेट होता है, यानी जहाँ से घर में इंटर किया जाता है उसे कहा जाता है फ्रंट डोर, सामने वाला दरवाज़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे हाउस में होती है, और ये हर पार्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे घर के लिए। इनमें से अगर कोई एक पार्ट भी ना रहे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट ये सारी चीज़ें अगर घर में हो
तो जो हाउस जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये है आवर हाउस, और ये हाउस के जो रूम्स है यानी हाउस के जो पार्ट्स है। ओके, नाउ मैच द पिक्चर विथ वर्ड्स। यहाँ पर वो सारी चीज़ों की पिक्चर है जो हमारे हाउस में होती है। हमारे घरों में ये सारी चीज़ें होती है, जो ये सारी चीज़ें घरों में ही रखी जाती हैं, और यहाँ उनके वर्ड्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर को देखेंगे और वर्ड्स से मैच करेंगे। तो फर्स्ट जो पिक्चर है वो एक टेबल है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग टेबल है, या फिर इसे डेस्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेक्स हमें DESK डेक्स जो वर्ड है उससे मैच करना है। यह है डेस्क। नेक्स्ट पिक्चर है, ये है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मिरर। ये है मिरर, हम लोग यहाँ देखेंगे मिरर जो है, मिरर का पिक्चर कहाँ है, ये है, हम लोग इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है टीवी, और टीवी का पिक्चर ये है, हम लोग मैच करते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर यानी एक फोटो जो यहाँ दिख रहा है, इससे इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट है बुक केस यानी जहाँ बुक्स रखी जाती हैं, ये है बुक केस। नेक्स्ट क्लॉक यानी एक घड़ी, वो यहाँ है। उसके बाद है वार्डरोब, वार्डरोब यानी अलमारी, ये आ गई। और एक है लैम्प। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे हाउस में होती है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, तो ये रूम्स हैं जो हमारे घरों में होते हैं। मैच द पार्ट ऑफ द हाउस विद द पिक्चर करेक्टली। यहाँ पर हाउस के पार्ट्स हैं और यहाँ नेम है, हम लोगों को क्या करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो है बेडरूम, BED बेड रूम। वेयर इज बेडरूम, यहाँ पर है बेडरूम। नेक्स्ट है विंडो, विंडो कहाँ दिख रहा है, इस साइड, ये है विंडो। उसके बाद है गैराज, गैराज कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद है फ्लोर यानी जमीन। नेक्स्ट है बाथरूम, वेयर इज बाथरूम, हियर। रूफ, रूफ मीन्स छत, ये है रूफ। नेक्स्ट है डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम क्या करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, यहाँ है डाइनिंग रूम। नेक्स्ट है वार्डरोब, वार्डरोब जहाँ कपड़े वगैरह हमारे रखे जाते हैं वो है वार्डरोब। नेक्स्ट डोर यानी दरवाजा, ये है डोर। नेक्स्ट लिविंग रूम, लिविंग रूम यानी ड्राइंग रूम, ये है ड्राइंग रूम। ये सारे क्या है, हमारे हाउस के पार्ट्स है जो अलग अलग यहाँ पर पिक्चर्स में हमें दिख रहे हैं, उनको वर्ड से मैचिंग करना है। यहाँ भी हम कुछ देख रहे हैं जो हमारे हाउस में हमें दिखता है। तो क्या करना है, यहाँ पर लुक एट द पिक्चर एंड मैच द करेक्ट वर्ड। पिक्चर देखेंगे और करेक्ट वर्ड से मैच करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर जो है वो एक टीवी है, तो फर्स्ट में ही हमें टीवी दिख रहा है, इसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर जो है वो है बेड रूम, क्योंकि यहाँ बेड हमें दिख रहा है, तो
तो वो है एक बेडरूम। तो बेड BED बेड, रूम ये हो गया बेडरूम। नेक्स्ट है एक लैम्प, जो नाइट लैम्प हम लोग कहते हैं, ये है लैम्प LAMP लैम्प। नेक्स्ट प्लांट, पौधा, यहाँ ये पौधा है प्लांट PLANT प्लांट। दिस ये है एक लिविंग रूम LIVING लिविंग ROOM रूम लिविंग रूम। नेक्स्ट ये पिक्चर है एक सोफा SOFA सोफा। नेक्स्ट किचन, किचन KITCHEN किचन। और ये है लिविंग रूम यानी ड्राइंग रूम, ये इसे एक बार फिर से करते हैं, ये है डाइनिंग रूम, ये है सोफा, ये किचन, उसके बाद है ये एक लिविंग रूम यानी ड्राइंग रूम। सो ये सारे क्या है हमारे हाउस के इम्पोर्टेंट पार्ट्स। नाउ राइट देयर नेम, इनका नाम लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं हाउस, हाउस ये है प्ले रूम, नेक्स्ट ये है लिविंग रूम, रूम ये है बाथरूम, ये है गार्डन, ये है बेडरूम, ये है किचन, किचन और ये हमारा हाउस जो है, इसके हाउस के रूम्स हैं। सो वी ऑल लिव इन अ हाउस, इस टॉपिक पे आज हम लोगों ने हाउस के बारे में बहुत डिटेल में लर्न किया। हाउस के हमारे हाउस में कौन कौन से रूम्स होते हैं, उन रूम्स में हम क्या क्या उस रूम्स को किस लिए यूज़ करते हैं, वहाँ क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने लर्न किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।